हेलो एवरीवन, एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट में मैं मधुरा आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मूंग दाल का शीरा हम सबको बहुत पसंद है, पर आज हम मूंग दाल का शीरा बनाएंगे बिल्कुल आधे घंटे में। ये शीरा बनाने के लिए मूंग दाल को भिगोने की जरूरत नहीं है, आप जब मन चाहे ये शीरा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिया है 1/2 कप मूंग की दाल, 1/2 कप शुगर, 1.5 कप दूध, 1/2 कप शुद्ध देसी घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ता चॉप करके लिए है। तो चलिए हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे मूंग दाल और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। हमने नॉनस्टिक पैन लिया है जिससे ये मूंग दाल हलवा बनाने में आसानी होगी। करीब 10 मिनट तक हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मूंग दाल का कलर चेंज होने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मूंग दाल ठंडी होने के बाद हमने इसे मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लेना है, बिल्कुल इस तरह से। तो अब हम मूंग दाल हलवा बनाना शुरू करते हैं। उसी पैन में हमने ले लिया है करीब 1/2 कप शुद्ध घी। घी को पिघलने देते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़े कटे हुए काजू। काजू को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनते हैं और अब हम इसमें डालेंगे दरदरी पीसी हुई मूंग की दाल। इसे हम घी पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करीब 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे। करीब 5 ही मिनट में ये मूंग की दाल अच्छे से भून चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। 1/2 कप मूंग की दाल के लिए हमने करीब 1.5 कप दूध लिया है। अब दूध और पानी मिक्स करके भी ले सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसमें मिलाते जाएंगे। इसमें बिल्कुल गुठलियां नहीं रहनी चाहिए, हम इसे चलाते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 ही मिनट में दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। हम इसे कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाते जाएंगे। करीब 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इसका कलर गोल्डन होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। हमने करीब 1/2 कप शक्कर ली है। आप आपके पसंद के हिसाब से ज्यादा शक्कर भी यूज कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये शक्कर अच्छे से घुल जाएगी। मूंग दाल हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देते हैं, इससे इसकी लज्जत और बढ़ेगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट तक और भूनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मूंग दाल हलवे में अच्छे से घी छूट रहा है। इसमें हम इस स्टेज पे अब डाल देंगे थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये हलवा साइड से अच्छे से छूटने लगा है, इसका मतलब ये अब सर्विंग के लिए रेडी है। ड्राई फ्रूट से गार्निश करके हम इसे सर्व कर देंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? ये झटपट मूंग दाल हलवा रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और ऐसी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एवरीडे किचन एंड क्राफ्ट।